दवाई तो डालना। आया पापा। गधे के बच्चे, ये क्या किया तुमने? पूरी 10 रुपए की ऑटो खराब कर दी। सॉरी पापा। सॉरी के बच्चे, जाओ यहाँ से। सुना नहीं क्या कहा मैंने? जी पापा। क्या कहा? गधे के बच्चे, अजी बच्चों पर क्यों बरस रहे हो? अरे मोनू बेटा, तुमने पापा की आंखों में दो बूंदे चरणामृत की डाल दे। जी मम्मी, आया। पापा, चरणामृत की बोतल तो गिरकर टूट गई पापा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जी पापा। अरे भैया जल्दी चलो, स्कूल से देरी हो रही है। मोनू भैया एक मिनट। पापा, क्या चरणामृत सस्ता होता है? नहीं बेटा, चरणामृत तो बहुत महंगा होता है। देखा महापुरुषो, मुझसे गिरी 10 रुपए की आइड्रो, मेरी गाल पर लगा थप्पड़ जो अभी तक लाल हो रही है। दूसरी तरफ चरणामृत की इतनी बड़ी बोतल गिर कर टूट गई। पापा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा, फ्री में मिल जाता है ना। संगत में जाओ, बोतल भराओ और ले आओ, इसलिए हम इसकी कोई कीमत नहीं समझते। ऐसे बात करते हैं पापा से? मम्मी पापा मुझे ज्ञान लेने के बाद भी गधे का बच्चा कह रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, ज्ञान लेने के बाद ही तो इंसान को अपनी सही पहचान होती है। तुम भी बच्चों के जैसे ही बोल रही हो। मैं तो सही ही कह रही हूँ, बच्चे सही ही कहते हैं। हम वैसे ही कहते हैं कि चरणामृत बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है, लेकिन हमारे दिल में चरणामृत की कीमत 1 10 रुपए के आइड्रो से भी कम है। और हाँ, अगर ज्ञान लेने के बाद भी घर में ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो उसका परिणाम तो यह ही होगा। हाँ वैसे तुम ठीक ही कह रही हो, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा। चलो भैया जल्दी चलो। अरे बच्चे नाश्ता तो करते जाओ। नहीं मम्मी, आज हमारे स्कूल में खाओ पियो प्रतियोगिता है। अरे बेटा ये कैसी प्रतियोगिता होती है? वो हम आपको आकर बताएंगे मम्मी। जी हाँ, आज है हमारे स्कूल और जैसे इसका नाम ऐसी ही ये प्रतियोगिता। दो दो बच्चों के जोड़े बनाए गए हैं और हाथों में लकड़ी की पट्टी बांधी गई है ताकि हाथ मुड़ ना पाए, और बीच में प्लेट है, प्लेट पे खाना है। जो सबसे पहले खाना खत्म करेगा वही जोड़ी आज की विनर होगी। और आपका समय शुरू होता है अब। अरे अरे अरे, बाकी जोड़ियों ने खाना नीचे गिरा दिया है। अब देखते हैं सोनू है मोनू क्या कर रहे हैं। भैया अगर हम भी इनकी तरह खाना खाने लगे तो हम तो प्रतियोगिता हार जाएंगे भैया। भैया तो हम क्या करें? मुझे एक युक्ति सूझी है भैया। क्या भैया, जल्दी बताओ। आप मुझे भोग लगाओ और मैं आपको भोग लगाता हूँ। ठीक है भैया। खाना पीना उठना बैठना सब सिखाया मुझसे, सब सिखाया कर दिया है। और आज के ट्रॉफी सोनू एंड मोनू के नाम। अरे बेटा तुमने ये तरीका कहां से निकाला? सर हम निरंकारी सत्र में जाते हैं और हम जब भी खाना खाते हैं तो एक दूसरे को भोग लगाकर खाते हैं, वहीं से हमें युक्ति सूझी सर। हमारे सद्गुरु की सिखलाई के कारण ही हम ये प्रतियोगिता जीत पाए हैं सर। वाह बेटा वाह, क्या अजीब तरीका है, इसके बारे में तो हम भी अवगत नहीं थे। बेटा आपके गुरु का क्या नाम है? सर हमारे गुरु का नाम है पहला सुख